दर्शकों, आवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज नेहरू सेंटर मुंबई में घास से बनी हुई कारीगरी कालीन का आज यहां कारपेट एक्सपोर्ट परमिशन काउंसिल का एक एग्जीबिशन हुआ, नुमाइश हुई, जहां पर तकरीबन 30 कंपनियों ने भाग लेकर के इस एग्जीबिशन को सफल बनाया। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। आज हम आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो ऐसी नुमाइश लगी हुई है, आप देखोगे तो आपके दिल भर जाएंगे। दोस्तों, वर्ली के अंदर वर्ली सेंटर नेहरू जहां पर है, वर्ली सीफे के पास, वहां पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा हुआ है कारपेट का। ये कारपेट अगर आप देखोगे तो आपको हैरतज़दा हो जाओगे, क्योंकि ये जो कारपेट है ये मशीनों से बने हुए नहीं है, ये हाथों से बने हुए हैं। ये देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी कारीगरी अगर आप देखोगे तो आप हैरतज़दा हो जाओगे। ये चीज़ देखने जैसी है, वो घर के अंदर ले जाकर अगर आप रखोगे तो आपके घर के अंदर चांदनी चौक की तरह एकदम जगमगा उठेगा आपका घर। ये देखने के लिए आप खास करके यहाँ पर आइए, वो देखिए। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जिनका नाम है, सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम उमर हमीद है, मैं कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल का चेयरमैन हूं। तो ये शो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने पहली बार 2019 में किया था और हमारा टारगेट हर साल ये शो करने का था, बीच में कोविड आ गया तो इसलिए हमने आज दोबारा स्टार्ट किया है। तो ये 4 दिन का शो हमने रखा है यहाँ पे, तो 10, 11, 12 और 13 तारीख तक है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोग जो बहुत बिजी हैं, तो हमने वीकेंड्स पे इसको रखा है कि मेन दिन जो है वीकेंड्स पे आ जाए। थोड़ा इस बार स्लो रहा है क्योंकि कल भारत का मैच भी था इसलिए, मगर फिर भी अच्छा क्राउड आया। आज भी एक्सपेक्टेशन है, कल भी जो वीकेंड है, छुट्टियां हैं यहाँ पे, तो अच्छे क्राउड की उम्मीद है। कल भी यहाँ बिजनेस किया लोगों ने, सब ने नहीं तो कुछ लोगों ने तो किया, तो उम्मीद है कि सारे बिजनेस करेंगे। अच्छा, आप थोड़ी ये जानकारी बताइए, आप ये जो कारपेट जो हाथों से बनाए जाते हैं, जो मजदूर बनाते हैं, देश की उन्नति के लिए बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो इतने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है ये हर क्षेत्र से है, बीकानेर से है, राजस्थान से है, आगरा से है, बेंगलोर से है, दिल्ली से है, कश्मीर से है, बॉम्बे के कुछ है, भदोही के हैं। इस बार पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर है। बिल्कुल है, जहाँ जहाँ से भी कारपेट हमारा हैंडमेड बनता है हिंदुस्तान में, अपने देश में, वो सब यहाँ अपना प्रदर्शनी कर रहे हैं अपने कला की, और अलग अलग चीज़ें लेके आए हैं। बेसिकली जो हमारी काउंसिल है वो एक्सपोर्ट के लिए है, मगर हमने ये फैसला किया है, सरकार के भी कुछ आदेश थे कि हमको डोमेस्टिक मार्केट भी कैटर करना है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, जो खासकर मुंबई में आपको पता है फिल्मिस्तान है, यहाँ बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि डोमेस्टिक काम काफ़ी अच्छा होगा, और होगा, ज़रूर होगा, और होता है। 2019 में भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ हुआ है, तो हमको एक रूटीन बनानी है कि हमको ऐसे बड़े शोज़ करने हैं, क्योंकि हमारा कोई देश कम नहीं है कारपेट खरीदने में। जी जी, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है यहाँ वो सस्ते से लेकर महंगे से महंगे तक है। यहाँ 5,000 से भी कारपेट स्टार्ट होता है और 10 लाख पे भी एंड होता है कारपेट। सो यहाँ हम हर एक किस्म के ग्राहक को कैटर कर रहे हैं, यहाँ को गरीब से गरीब भी खरीद सकता है, एवरेज क्लास इनकम वाला भी खरीद सकता है, हर एक के लिए हमारे जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक रेंज के प्रोडक्ट्स रखे हैं। और बिल्कुल हमारे जो ट्रेडिशनल हाउसेज है, जो हमारा रहन सहन है, उसके हिसाब से कलर्स हैं, उसके हिसाब से क्वालिटीज़ हैं, जो हमारा वेदर है, जैसे हमारा बॉम्बे में हमारा ह्यूमिड वेदर होता है, उसके लिए यहाँ कॉटन के कारपेट्स हैं, बैम्बू सिल्क के कारपेट्स हैं, जो डैमेज ही देंगे, बहुत अच्छा लुक देंगे और एलिगेंस देंगे उनके घरों को। बस आपका संदेश यही है, देश के घर घर तक ये पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल, बस ये आपके विचार है। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आपने जो बात को सुनी, एक बार यहाँ पर आप आइए और ज़रूर अपनी आंखों से, नज़र से इस चीज़ को।
है।